जैसे कि आपको पता है मशीन आवर रेट की प्रॉब्लम कॉस्ट अकाउंटिंग की आपके सामने कंटिन्यू इस वक्त चल रही है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 तक की वीडियो आप लोगों को दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की वीडियो अब बनने चल रही है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोइंग पार्टिकुलर्स रिलेट टू मशीन एम फ्रॉम दिस कंप्यूट मशीन आवर रेट। द कॉस्ट ऑफ द मशीन इज ₹8,000 एंड इट्स इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज ₹2,000। इट्स लाइफ इज एस्टिमेटेड टू बी 10 ईयर्स, एट द एंड ऑफ विच इट्स स्क्रैप वैल्यू विल बी नील। द मशीन वर्क्स फॉर 2,000 आवर्स इन ए ईयर। इट ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द शॉप। द सुपरवाइजर डिवोट्स 1/5 ऑफ हिज टाइम टू दिस मशीन। अदर एक्सपेंसेज आर शॉप रेंट एंड रेट्स फॉर ए क्वार्टर 300, जनरल लाइटिंग पर मंथ 20, इंश्योरेंस एक्सपेंसेज पर मशीन पर एनम 60, एस्टिमेटेड रिपेयर पर ईयर 200, शॉप सुपरवाइजर सैलरी पर क्वार्टर 600। द मशीन कंज्यूम्स 2 यूनिट्स ऑफ पावर पर आवर एट द रेट ₹60/100 यूनिट्स। जनरल लाइटिंग चार्जेज आर टू बी एपरसेंट ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें आपको क्या समझना है क्या नहीं, वो आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम शुरू से ही चलेंगे, लेकर के एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। यहाँ पर मशीन की कॉस्ट 8,000 है और उसका जो लगाने का खर्चा है 2,000, तो मशीन की कॉस्ट हो गई ₹10,000। और मशीन की जो लाइफ है वो 10 साल का है और हर साल मशीन 2,000 घंटे चलेगी। इसका मतलब मशीन का जो लाइफ है, वर्किंग लाइफ, वो पूरा 20,000 घंटे हो जाएगी। और जो सुपरवाइजर है 1/5 अपने समय का इस मशीन की देखभाल में लगाता है। और मशीन का जो फ्लोर एरिया रिकवर है वो है टोटल एरिया का 1/4। तो सबसे पहले हम बेस पीरियड 1 ईयर और वर्किंग आवर 2,000 घंटे, इसी को ही लिखेंगे। जैसे कि अब आप यहाँ देख रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट, इसमें हमने जो जो चीज़ों को आपके सामने दिखाना है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, उस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, सबसे पहले आपको कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट, बेसिक पीरियड, यहाँ पर जो बेसिक पीरियड यानी बेस पीरियड होगा वो 1 ईयर होगा, और 1 ईयर का जो वर्किंग आवर है 2,000 घंटे। सबसे पहले यहाँ पर आपको पर एनम और पर आवर लिखना होगा, क्योंकि यहाँ 1 ईयर है तो यहाँ पर एनम लिखेंगे। स्टैंडिंग चार्जेज में रेंट एंड रेट्स ₹300 दिया हुआ है, जो कि स्टैंडिंग चार्जेज का पहला खर्चा है। रेंट अगर आपको ध्यान से देखना है तो आप यहाँ देखेंगे बहुत अच्छी तरह से, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर रेंट ₹300 पर क्वार्टर है। तो साल भर में 4 क्वार्टर होते हैं, तो हम 300 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्योंकि ये जो मशीन है वो फ्लोर एरिया का 1/4 कवर करती है, तो हम 1/4 और आगे लगा देंगे तो ₹300 ही आएगा। अगर हम लाइटिंग की बात करें तो लाइटिंग में जनरल लाइटिंग पर मंथ ₹20 लिखा हुआ है, तो ₹20, तो हम 20 का पर मंथ है तो उसे, भाई हमारा तो यहाँ पर एनम है, तो हम 20 को 12 से मल्टीप्लाई करके पहले 1 साल का बनाएंगे, उसके बाद हम इसका 1/4 करेंगे। 1/4 जो है फ्लोर एरिया है मशीन का, तो वैसे तो लाइटिंग लाइट पॉइंट के हिसाब से बढ़ता है, लेकिन अगर फ्लोर एरिया दिया है और लाइट पॉइंट नहीं है तो हम फ्लोर एरिया का साइज लेंगे, यानी 1/4 चार्ज करेंगे ₹60। इसके बाद इस सवाल के अंदर अगला पॉइंट है थर्ड, इंश्योरेंस पर मशीन पर एनम। इन्होंने खुद ही कह दिया 1 साल का एक मशीन का ₹60 है, इसको हम डायरेक्टली ₹60 लिख देंगे। इसको हम डायरेक्टली ₹60 लिख देंगे, और इसमें क्योंकि महीना वगैरह नहीं है तो इसकी मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं होगा, सिंपल लिखा जाएगा। सुपरवाइजर की सैलरी की अगर हम बात करते हैं, सुपरवाइजर की जो सैलरी है वो ₹600 पर क्वार्टर है, तो साल भर में 4 क्वार्टर होता है, तो हम 600 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन सुपरवाइजर अपने समय का, यहाँ पर बोला गया 1/5 टाइम ही लगाता है मशीन के लिए, तो हम इसका 1/5 करेंगे, तो ये 480 यानी ₹480 आ जाएगा। स्टैंडिंग चार्जेज हमारे समाप्त हो गए, इनका हम टोटल करेंगे तो ये ₹900 टोटल स्टैंडिंग चार्जेज आ जाएंगे। इसको हम 2,000 से डिवाइड करेंगे, जो कि हमारे पास 1 साल का वर्किंग आवर दिया हुआ है।
इससे डिवाइड करने के बाद हमारा यहाँ पर 0.45 यानी 45 पैसे का स्टैंडिंग चार्जेज पर आवर आ जाता है। इसके बाद हम मशीन एक्सपेंसेज में पहला खर्चा डेप्रिसिएशन लेंगे, तो डेप्रिसिएशन के लिए 8000 की मशीन है, 2000 उसका इंस्टॉलेशन चार्ज है, तो 8000 को 2000 में यानी कि 2000 और 8000 दोनों जोड़ देंगे, 10000 होगा। और इसके लाइफ से डिवाइड करेंगे तो लाइफ इसका 10 साल है और हर साल 2000 घंटे मशीन चलेगी। इसका मतलब है 8000 में 2000 जोड़ेंगे और 2000 इंटू 10 यानी 20000 इसका लाइफ है डिवाइड करेंगे, तो 10000 को 20000 से डिवाइड करेंगे 50 पैसे आएगा। इसके बाद हमारा अगला खर्चा होता है रिपेयर। रिपेयर एक साल का यहाँ पर 200 रुपये लिखा है, तो भाई 200 रुपये को 2000 से डिवाइड कर देंगे, सीधा 10 पैसे आ जाएगा। तो ये हमारा रिपेयर हो गया। अब हम देखते हैं पावर। तो पावर की अगर बात करते हैं तो पावर के बारे में सवाल में ही लिखा हुआ है कि पावर हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और पावर का क्या खर्चा बैठेगा। तो इस मशीन के लिए बोला गया है कि जो मशीन कंज्यूम करती है 2 यूनिट पावर कंज्यूम करती है एक घंटे में, और इन्होंने कहा कि 60 रुपये प्रति 100 यूनिट का चार्ज है, यानी 60/100 इसका रेट बैठेगा 60 पैसे का। फिर उसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 यूनिट से, तो इसका मतलब है 60 × 2/100 यानी 100 आएगा। तो 60 × 2/100 यानी 60 × 2/100 1 रुपये 20 पैसे आ जाएगा। अब हम सारे को जोड़ लेंगे यानी सारे स्टैंडिंग और मशीन एक्सपेंसेस 1, 2, 3, 4 इन चारों को जोड़ करके 2.25 यानी कि मशीन आवर रेट 2.25 आता है। इस प्रकार से हमारा जवाब 2.25 एक्यूरेट और राइट हो गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 मशीन आवर रेट केजी पब्लिकेशन का समाप्त हो गया, जिसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी और इसको क्रमशः हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दिया और यहाँ पर जवाब आ गया। इसी प्रकार के वीडियोज को पाने के लिए धीरज सर कॉमर्स क्लासेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स लेते रहिए। वीडियो शेयर जरूर कीजिए।